हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग एक और न्यू एमसीक्यू का सेट देखने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल का, जो कि एसपीटी बिहार का 2017 का और सेम का था। सो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है हमारा, जो कि है एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। हमारा एमएस एक्सेल जो होता है वो मतलब किस चीज़ के लिए यूज के लिए मतलब तो क्रिएट करते हैं उसके द्वारा। पहला हमारा है ऑप्शन प्रेजेंटेशन, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है सेंडिंग मेल्स एंड चौथा है स्प्रेडशीट। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंटेशन हम लोग किसके द्वारा करते हैं, पीपीटी के द्वारा, जो कि हमारा पावर पॉइंट के द्वारा है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है उसको हम लोग एक्सेल में नहीं मतलब वर्ड में करते हैं ज़्यादातर। और तीसरा जो है सेंडिंग मेल, तो हम लोग मेल के थ्रू सेंड करते हैं, ये एम एस एक्सेल में ही इसमें यूज होता है। सो हमारा लास्ट जो है स्प्रेडशीट, जो कि हमारा एम एस एक्सेल यूज करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच इज वाइडली यूज फॉर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। ऑप्शन ए है एम एस वर्ड, ऑप्शन बी एम एस पावर पॉइंट, ऑप्शन सी एम एस एक्सेल, ऑप्शन डी एम एस एक्सेस। सो हमारा करेक्ट आंसर इसमें ए होगा, एम एस वर्ड, जो कि ज़्यादातर हमारा एम एस वर्ड यूज होता है। सो करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग। मतलब जो हम लोग एक्सेल जो यूज़ करते हैं, तो उसमें जो कभी कभी लोग चार्ट्स के द्वारा प्रेजेंट करते हैं अपना कुछ भी, तो उसमें किस चीज़ को यूज़ करके हम लोग अपने चार्ट को बनाते हैं, कौन सा ऑप्शन को। सो हमारा ऑप्शन ए है पाई चार्ट, ऑप्शन बी है पाइवट चार्ट, ऑप्शन सी है बार चार्ट, ऑप्शन डी है चार्ट विजार्ड। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर लास्ट होगा, जो कि डी है, चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड को यूज करके एक्सेल में हम लोग अपने चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, ऑल माइक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट्स इंक्लूड द डॉट डॉट की। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑल्ट, एंड सेकंड ऑप्शन है सीटीआरएल जो कंट्रोल, एंड थर्ड ऑप्शन है F11 एंड फोर्थ वन है शिफ्ट। सो इसमें हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि सारा माइक्रो कीबोर्ड जो होता है उसमें शॉर्टकट जो इंक्लूड रहता है कि वो है हमारा कंट्रोल, जो कि हमारा CTRL, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, डिवाइसेस दैट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। मीन्स हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है, मतलब जो हमारा नीचे दिया गया है ऑप्शन में, कौन से इसमें से डिवाइस है जो हमारा इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में देने के लिए सहायता करता है, अलाउ करता है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, सेकेंड ऑप्शन है आउटपुट, एंड थर्ड ऑप्शन है प्रोसेसर, एंड फोर्थ ऑप्शन है ALU। सो हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जो हमारा ALU है तो ये तो इनपुट इसमें हम दे नहीं सकते हैं, और जो सी ऑप्शन है प्रोसेसर, ये तो प्रोसेस में करता है ना, तो वो तो इनपुट ले नहीं सकता है, जो हमारे द्वारा कंप्यूटर को नहीं पास कर सकता है, क्योंकि ये लेने के बाद प्रोसेस करता है। एंड जो ये सेकंड वन है जो बी है आउटपुट, ये आउटपुट तो मतलब लेने के बाद हमारा आउटपुट को डिस्प्ले करता है, हमारा जो सॉल्यूशन जो होता है उसका रिजल्ट को मतलब दिखाता है। तो हमारा लास्ट जो है इनपुट, जो फर्स्ट हमारा है ए ऑप्शन में, वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इनपुट के थ्रू ही मतलब हम अपने इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, अलाउ करते हैं कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, डैश 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 प्रिंटर इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसमें से कौन सा हमारा जो प्रिंटर दिया गया है, कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है। सो ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है डेसी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड डी है लेजर। सो इसमें से कौन सा है जो नॉन इंपैक्ट में आता है। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि लेजर प्रिंटर जो होता है ये नॉन इंपैक्ट में आता है, क्योंकि प्रिंटर के भी टाइप्स होते हैं इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट। सो हमारा लेजर जो है नॉन इंपैक्ट से बिलोंग्स करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, मीन्स कंप्यूटर का ब्रेन मतलब क्या होता है, किसी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ALU, सेकेंड है हमारा रैम, थर्ड है CPU, एंड फोर्थ वन है कंट्रोल यूनिट। सो हम लोग ALU जो है वो तो हो नहीं सकता है कंप्यूटर का ब्रेन, रैम जो है मतलब एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टोर करता है, फिर डिलीट कर सकते हैं, चाहे स्टोर कर सकते हैं परमानेंट, ये सब स्टोरेज डिवाइस हो नहीं सकता है। सो थर्ड हमारा CPU, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। सो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स दैट्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज अ, फर्स्ट ऑप्शन है आरजीबी मॉनिटर, एंड सेकंड ऑप्शन है प्लॉटर, एंड थर्ड ऑप्शन है इंक जेट प्रिंटर, एंड फोर्थ वन है लेजर प्रिंटर। मीन्स हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम कोई हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स को मतलब कोई हार्ड कॉपी अच्छा हाई क्वालिटी का चाहते हैं कलर में, तो हम लोग कौन सा इसमें से यूज कर सकते हैं। सो हमारा जो लास्ट वन जो होगा लेजर प्रिंटर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लेजर प्रिंटर के द्वारा हम लोग हाई क्वालिटी का मतलब हार्ड कॉपी को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेजर प्रिंटर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9th है, अबाकस वाज द फर्स्ट, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी मैकेनिकल कंप्यूटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ऑप्शन डी मैकेनिकल कैलकुलेटर। सो अबाकस क्या था वो, मतलब फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी में मैकेनिकल कंप्यूटर है, ऑप्शन डी में मैकेनिकल कैलकुलेटर है, सो कन्फ्यूज मत होइएगा। अबाकस जो था हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, सो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10th है, पी रोम स्टैंड्स फॉर, ये लोग सब सो इससे परिचित है, पी रोम जो होता है हमारा रोम का टाइप्स में से बिलोंग करता है। सो ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बारम्बार हर सेमेस्टर में पूछता है, हर बार हर ईयर में। सो हम लोग देखेंगे कि पी रोम स्टैंड्स फॉर, मीन पी रोम का फुल फॉर्म क्या आता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी में है प्रोलॉग रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो हम लोग सबको जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि हम लोग इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ये हमारा रोम का टैप्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स इज अ और एंड, ये हमारा लिनक्स क्या होता है हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड है फ्रीवेयर, एंड फोर्थ वन है ऑल ऑफ द अबव। तो लिनक्स क्या होता है ये, अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो देखे होंगे नंबर वन क्लासेस का प्लेलिस्ट में जाकर, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्क्राइब किया गया है। तो लिनक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप्स में आता है। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हार्ड डिस्क इज डैश डैश डैश, हार्ड डिस्क हमारा कौन सा मेमोरी में आता है, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिलरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी, एंड थर्ड है परमानेंट स्टोरेज, एंड फोर्थ वन है ऑल ऑफ द एबव। सो हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी से बिलोंग करता है, जो हमारा परमानेंट स्टोर के लिए यूज होता है। सो एक्सिलरी मेमोरी को मतलब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन आप समझ सकते हैं कि लास्ट वन होगा जो कि डी है, ऑल ऑफ द एबव। इसमें सारा हमारा सही है दिया हुआ ऑप्शन, जो कि हार्ड डिस्क को ही हम लोग बोलते हैं सब नाम से, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल इज, एमएस एक्सेल क्या है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन दिया है पैकेज, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। सो इसमें हमारा आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, एमएस एक्सेल आप लोग सबको यूज किए होंगे, तो ये लैंग्वेज हो नहीं सकता है क्योंकि ये लैंग्वेज नहीं है। आप लोग जानते हैं क्योंकि C++ जावा आप लोग सबसे इससे परिचित है, हमारा लैंग्वेज नहीं हो सकता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं हो सकता है क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग जानते हैं कि एक इंटरफेस के रूप में काम करता है यूजर और मतलब हार्डवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स के रूप बीच में। सो हमारा पैकेज जो हमारा लास्ट ये थर्ड वन है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एमएस एक्सेल एक पैकेज में पैकेज है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर कैन यूज इन, कंप्यूटर हम लोग यूज कर सकते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में जमा दिया हुआ है। फर्स्ट है रोबोटिक्स, सेकंड है इन्वेंट्री, एंड थर्ड है डेटा एनालिसिस, एंड फोर्थ वन है ऑल ऑफ द अबव। सो हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोबोटिक्स में भी हम लोग कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा हम लोग मतलब कई प्रकार के प्रोग्रामिंग को करके मतलब रोबोट के अंदर डालते हैं तो वर्क करता है, तो ये मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। सो रोबोटिक्स में भी यूज होता है। इन्वेंट्री मतलब कुछ हम लोग सूची बनाने के लिए, चाहे कुछ मतलब प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। जो थर्ड है डेटा एनालिसिस, इसके लिए तो कंप्यूटर यूज होता ही है। सो इस हमारा जो आंसर होगा करेक्ट, वो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे हमारा ऑप्शन सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, डॉट 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 इज अ एंड ब्राउजर, मतलब इसमें से
कौन सा मतलब ब्राउजर में आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा UCI, एंड सेकेंड है मोजिला, एंड थर्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड फोर्थ वन है ऑल ऑफ द अबव। सो हम लोग सबको जानते हैं, हम लोग जितना ब्राउजर यूज़ करते हैं, कोई क्रोम करते हैं, कोई गूगल करते हैं, कोई यूसी करते हैं, उसी प्रकार से UCI भी एक ब्राउजर है, एंड मोजिला भी एक ब्राउजर में आता है, एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है, जो हम लोग कुछ भी मतलब सर्च करते हैं। ब्राउजर को आप लोग जानते हैं यूज़ कहाँ होता है, कैसे करते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें सारे जो हमारे लिस्ट डाउन जो किए गए हैं, UCI, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब हमारा ब्राउजर में आते हैं। सो थैंक यू।